नमस्कार, आप देख रहे हैं तांश टीवी, प्रस्तुत है समाचार। आजसू पार्टी द्वारा घोषित केंद्रीय कार्यक्रम के तहत जिला इकाई गढ़वा में जिलाध्यक्ष दीपक शर्मा के नेतृत्व में जिला मशाल जुलूस निकाला गया। हमारी पहचान 1932 खतियान आधारित स्थानीय व नियोजन नीति पिछड़े वर्ग को आबादी अनुसार आरक्षण, बेरोजगार युवकों को रोजगार, जाति जनगणना सरना, धर्म कोड, झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मान एवं झारखंड के संसाधनों का हो रही लूट के विरोध में झारखंड सरकार के खिलाफ अनवरत आंदोलन जारी रहेगा। जब तक कि इन सभी मुद्दों का निराकरण नहीं हो जाए, आगामी 7 मार्च को गढ़वा जिला से सैकड़ों कार्यकर्ता विधानसभा घेराव कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर पार्टी के केंद्रीय सचिव शंकर प्रताप विश्वकर्मा, जिला प्रवक्ता राकेश शुक्ला, जिला उपाध्यक्ष मुकेश गुप्ता, आशीष जायसवाल, जिला सचिव इंदल बैठा, लाल मोहम्मद अंसारी, संगठन सचिव रणजीत सिंह, जिला कोषाध्यक्ष संतोष केसरी, कार्यकारिणी सदस्य नंदू ठाकुर, कार्यकारिणी सदस्य विजय कुमार, सूरज शर्मा, आईटी सेल प्रभारी ऋषिकांत शर्मा, हर्ष बंधन, अनिल राम, अरविंद कुमार उपस्थित थे। आज पार्टी जिला इकाई गढ़वा के द्वारा मशाल जुलूस का कार्यक्रम पूर्व निर्धारित था। गढ़वा अनुमंडल पदाधिकारी को हमने मांग पत्र दिया था कि इस कार्यक्रम को करने के लिए अनुमति प्रदान किया जाए, लेकिन सरकार और सरकार में बैठे उन्हीं के नुमाइंदे के इशारे पर जिला प्रशासन जिस कोरोना को हवाला देते हुए मशाल जुलूस निकालने के लिए अनुमति हम लोगों को नहीं दिया, इसके बावजूद भी हम लोगों का हौसला कमज़ोर नहीं है, हौसला और बढ़ा है हर मामले में। और हम आज मशाल जुलूस निकाल तो नहीं सके, लेकिन अपने कार्यालय कैंपस में मशाल जुलूस का कार्यक्रम आयोजित जरूर किए हैं, और इससे हम सरकार को विरोध दर्ज करा रहे हैं कि आजसू जिस तरह से मुखर रही है, इस झारखंड में 1932 की खतियान स्थानीय नीति और नियोजन नीति को लागू कराने को लेकर के, क्योंकि यह जब से झारखंड बना है तब से अभी तक निर्णय कुछ हो नहीं पा रहा है कि आखिर झारखंडी है कौन। झारखंड में रहने वाले हम सभी झारखंडी, हम झारखंडी होने पर नाच तो करते हैं, लेकिन शंका इस बात का है कि हम झारखंडी हैं भी या नहीं। अपने ही झारखंड में हम अपना पहचान खोजने पर विवश हो गए। दूसरा चीज़ है कि झारखंड सरकार चुनाव के पूर्व जिस तरह से उन्होंने घोषणा किया था कि सरकार बनते ही 27% पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण सरकार देगी, लेकिन उनका कथनी और करनी में बहुत अंतर हो गया। सरकार केवल ढिढोरा पीट रही है, और वह अभी ढिढोरा पीटने का फूटा हुआ ढोल से ढिढोरा पीट रही है। लोगों को यह जताने का काम कर रही है कि सरकार बहुत ही विकास का कार्य कर रही है, लेकिन दूसरी ओर आप देखें तो जो उन्होंने चुनाव के पूर्व में कहा था कि प्रत्येक वर्ष 5 लाख बेरोजगार युवकों को हम नौकरी देने का काम करेंगे, वह भी मुद्दा टाएँ टाएँ फीस हो गया। दूसरा चीज कि झारखंड में ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल इतना बड़े पैमाने पर चल रहा है, इसके साथ जो खनिज संपदा पूरे गढ़वा पलामू प्रमंडल ही नहीं पूरे राज्य के खनिज संपदा को इस सरकार और प्रशासन के लोगों के मिलीभगत से लेकर लूटने का खेल चल रहा है और दोहन हो रहा है। आप देख डंडई प्रखंड के यह मशाल जुलूस आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो जी के निर्देश पर निकला है। इसलिए निकला है 1932 के खतियान लागू करो, बेरोजगारों को रोजगार भत्ता दो, इसको लेकर के यह मशाल जुलूस निकाला गया है। और जब तक 1932 का खतियान लागू नहीं होगा तब तक मशाल जुलूस निकलते रहेगा, क्रांतिकारी आंदोलन होते रहेगा। और हमारे इस जुलूस के अध्यक्षता और आजसू पार्टी के अनुसूचित मोर्चा के जिला अध्यक्ष
रुद्र पासवान जी के नेतृत्व में यह मनाया जा रहा है, प्रभाकर सिंह के नेतृत्व में मनाया जा रहा है और आम आवाम जनता जो हमारे सम्मानित जनता है, नवाडी के नौजवान साथी है, उनके नेतृत्व में निकाला गया है। इन्हीं चल शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। तैबा हॉस्पिटल, डॉक्टर यासीन हेल्थ केयर, मदरसा रोड, बस स्टैंड के पास, गढ़वा, स्त्री एवं प्रसूति रोग संबंधित सेवा एवं सुविधाएं, ANC नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन, बांझपन परामर्श एवं उपचार। विशेष जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।